वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट। ये वीडियो हमने बनाया था रात में, तो इसलिए बैकग्राउंड नॉइस होगी, इसलिए हमें ये डबल से डालना पड़ा साउंड। आज हम इसमें देखेंगे कि सीक्रेट बेस कैसे बनाए। मैं आपको सुना भी देता हूँ कि क्या हुआ था और कैसी बैकग्राउंड नॉइस है। तो सुन ही लिया होगा, इसलिए मुझे ये वॉइस डबल से डालनी पड़ रही है। देखो यहाँ पे हमने क्रिएटिव वर्ल्ड में ये बनाया था एक प्रोटोटाइप दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करता है। पहले सब आइटम को क्लियर कर देते हैं इन्वेंटरी में से। अब देखो ये है हमारा सीक्रेट बेस का गेट। वैसे बेस बनाया नहीं है, आप बना लेना, पर ऐसा ही होता है। टॉर्च लगाओ रे बाबा। तो इसलिए इसमें गेम की साउंड तो नहीं होगी, हमारी होगी। चल दिखा दे। देखो ये पिस्टन और ये ऐसे दिखाने के लिए रखा है। ये भी ये है उसकी की, इसे घुमाया और ये बंद। और ऐसे ही इसको तीन चार बार घुमाना पड़ता है खोलने के लिए। एक दो और तीसरी बार खुल गया। अब दिखाऊंगा कि ये कैसे बनाया है, उस पर ध्यान मत देना कैसे बनाया है, एक्सपेरिमेंट है। देखो ये आइटम फ्रेम, इसमें आइटम है कोई भी रख दो। और ये है कंपैरेटर, जो कंपेयर करता है पावर। और ये रेडस्टोन की लाइन, इसके लिए स्क्रिप्ट नहीं बनाई है। अब ये कैसे काम करता है मैं फिर कभी बताऊंगा, ये वीडियो कैसे जाएगी शायद। देखो इसे घुमाएंगे तो वो कंपेरेटर पावर भेजेगा और ये गेट खुल जाएगा। ये आई वहाँ से रेडस्टोन की लाइन, ये इस पिस्टन को बंद करने के लिए। देख लो कैसे है, यहाँ पर है एक रेडस्टोन की टॉर्च गेट वाले पिस्टन को बंद करने के लिए। ये ऊपर वाला, हाँ यही। और इसके लिए, इन दोनों के लिए ये यहाँ से करंट जाता है। और ये ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले पिस्टन के लिए गेट वाला, ये रिपीटर टॉर्च को बंद करता है। पर ये चालू हो जाती है और ये बंद हो जाती है। और यहाँ से करंट बंद होके इसको वापस खींचने में दूसरे पिस्टन की मदद करता है। ये दिखाने के बाद हम जाएंगे वर्ल्ड में बनाने इसे। देखो यहाँ पर भी एक मैंने टॉर्च लगा के रखी है रेडस्टोन की, जो इस कंट्रप्शन को चालू करता है, सिग्नल करंट भेजता है वहाँ से। चलो दूसरे वर्ल्ड में देखेंगे कैसे बनता है। मैंने इसके लिए स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, इसलिए मैं कुछ भी बक रहा हूँ इसके लिए सॉरी। चाहे तो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाल दूंगा। चलो अब नया वर्ल्ड बनाएंगे क्रिएटिव वाला।
हम आ गए एक क्रिएटिव वर्ल्ड में। अब जगह ढूंढते हैं कहाँ पे मिलेंगे तो अच्छी जगह। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, इसमें भी कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या करो इन कुत्तों का। ये है स्वाम्प, सबसे बुरी जगह। कुछ भी नहीं दिखता, छी छी, मैं बस वीडियो देख के आवाज दे रहा हूँ, वॉइस जज मत करना। चलो अच्छी जगह ढूंढेंगे। हाँ यहाँ पे मिली थी मेरे को अच्छी जगह। यही पहाड़ वाली जगह चाहिए थी मेरे को, अच्छी बेस बनती है पहाड़ में। ये दिखने में अच्छी है। अरे ऊपर ऊपर हमें चाहिए थोड़े ब्लॉक, डर्ट ब्लॉक। हाँ इसको बंद करने के लिए, यहाँ पे तो एक खाई थी ना, खाई है अब नहीं है। और यहाँ पे बना के देखेंगे पहले, पर ये जगह कुछ अच्छी नहीं थी इसलिए हमें दूसरी भी जगह देखनी पड़ी। पहले देखो 4x4 का गड्ढा करो, गड्ढा यानी दीवार को फोड़ डालो। देखो यहाँ पे एक गड्ढा हो गया, ये बाद में मुसीबत करेगा इसलिए मैंने दूसरी जगह ढूंढ ली ऊपर वाली। यहाँ पर भी 4x4 का एक क्या बोलते हैं उसको, गुफा खोद दो, अच्छी होगी बनाने के लिए सीक्रेट बेस। ये हो गया एंट्रेंस। अब चलो काम, चलो फास्ट फॉरवर्ड। अब जितना हो सके उतना अंदर ले जाए, आपकी मर्जी। मैंने नहीं पता कितने ब्लॉक अंदर लिया है तो, क्योंकि कोऑर्डिनेट मेरे बंद है। आज भी मैं रात में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी वॉइस घर के बाहर, पर झिंगुरियों से दूर जो आवाज कर रहे हैं। लगाते हैं पिस्टन दरवाजे के लिए, स्टिक पिस्टन चाहिए इसके लिए। और ये लगा दो, एक ब्लॉक छोड़ के आप या फिर यही पे, पर मैं तोड़ दिए देखा नहीं था ये। और ये एक ब्लॉक छोड़ दिया और इसके लाइन में यहाँ पे लगा दो, और उसके ऊपर भी है। और एक ब्लॉक छोड़ के उसके आगे दो, चार, एक के ऊपर है दो दो। फिर लगा तो जो आपका मन करे वो ब्लॉक से उसको पूरा करने के लिए तैयारी चालू। ये हो गया ऊपर के पिस्टन को पावर अप करने के लिए गेट वाले। और ये अब नीचे के पिस्टन को पावर अप करने के लिए काम चलो। देखो ये नीचे का पिस्टन, इसके नीचे जो स्टोन है उसको मत तोड़ना, उसके नीचे का तोड़ना और वहाँ पे रेड स्टोन की टॉर्च लगा, और उस पत्थर के पीछे रिपीटर लगाना जो उसको पावर करके टॉर्च को बंद कर देगा।
मांगा थी टॉर्च, और ये देखो ये एक्टिवेट हो गए। अभी इसको कर दो बंद रास्ता आने जाने के लिए। अब देखो रेडस्टोन चाहिए हमें, रेडस्टोन ले लिया। अब यहाँ पे बिछा दो, ज़्यादा लंबा मत करना, मैंने ऐसे ही बना डाला आपको दिखाने के लिए। और यहाँ से भी लगाना पड़ेगा। ये ऊपर वाले पिस्टन को चलाने के लिए। और यहाँ पे होगा वही जो मैंने बताया था, इसके नीचे लगेगी रेडस्टोन की टॉर्च, और यहाँ पे लगेगा रिपीटर। ये लगा दिया, और यहाँ से जाएगा करंट इसमें और उसमें भी। ये अब जब ये एक्टिव होगा, और यहाँ पे तो खाई भी है, बंद कर दो कर दो कर दो कर दो। हाँ हो गया। देखो ये गड्ढा क्यों किया, क्योंकि अगर उस ब्लॉक में पावर गया मिट्टी वाले, तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए मैंने नीचे से लिया है, वरना ये कभी बंद नहीं होगा और अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। और आगे भी ये रेडस्टोन की टॉर्च है ना, तो वहाँ से भी एक्टिवेट होगा। और यहाँ पे चाहिए हमको ऊपर वाला पिस्टन चालू करने के लिए। ये लगा दिया रिपीटर, और यहाँ पे लगाएंगे हम रेडस्टोन की टॉर्च। ये चालू, ये बंद नीचे वाली की वजह से, और ये चालू गलती से टूट गया। हाँ इसके ऊपर वाले यहाँ पे, और यहाँ पे रेडस्टोन, और ये हो गया दूसरा भी पिस्टन चालू। देखो हो गए, गेट बंद बोल सकते, गेट बंद। हाँ तो ये यहाँ पे रेडस्टोन की टॉर्च है, यहाँ पे रह गए एक ही चालू, यहाँ पे डालना था। हाँ हो गया चलो चारों। हाँ तो सिस्टम बन के तैयार, गेट वाला। अब बनाएंगे, अब इसको आपको बंद करना है तो कर दो, बंद कर ही देना, टूटेगा नहीं कुछ भी। टाइम सेट, टाइम को लॉक ही कर दो, इसलिए क्रिएटिव मोड में है, इसलिए टाइम को लॉक कर सकते हैं। ऑलवेज डे डे नाइट साइकिल लॉक कर दी। और अब हम बनाते हैं इसकी की वाली, की वाला सिस्टम बनाएंगे अब हम। ये देखो यहाँ पे रेडस्टोन के टॉर्च भी है, इसलिए नीचे से ही ले जाना ठीक रहेगा। अब हम वो की वाला सिस्टम बनाएंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे बनाना अच्छा अच्छी बात नहीं। और मैं तो कहता हूँ ये जो सीक्रेट बेस है वो आप घर में ही बनाओ, क्योंकि वो जो चेस्ट थी ना वो घर में ही अच्छी लगती है, बाहर अजीब लगेगी। ये रिपीटर यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि रेस्टोन का करंट सिर्फ 15 ब्लॉक तक ही जाता है, और हमें वहाँ से करंट यहाँ पे लाना है, इसलिए वो उसको उल्टा लगाना जरूरी है। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ये नीचे अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर। अब यहाँ पे 3x3 की एक गुफा बना दो, 3x3 की बनाने से अच्छा है 4x4 की बना दो।
अंधेरे के लिए माफी, ये लोग टॉर्च भी लगा दी। अंधेरे में क्या हो गया गड्ढा। चलो वैसे ही बनाना है आपको, और ये इसलिए क्योंकि हमें दिखना चाहिए कि कहाँ पे बनाया है हमने। इसे लंबा बनाना 8 ब्लॉक तक, 8 या 9 तक। इस उस जगह पे जितना स्पेस होगा उतने ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लगेंगे आइटम फ्रेम हमारे की काम कर, की जैसा काम करने के लिए। मैं अगली बार दूसरा वाला वीडियो बनाऊंगा तब उसमें अंडरग्राउंड वाला बनाऊंगा। ये अंडर द माउंटेन था, हम बनाएंगे फिर अंडरग्राउंड, और अगला वाला आप सजेस्ट करना। यहाँ से अब आपको एक लगाते लगाते रॉ ले जानी है, रॉ बोलते हैं तो कलम। चलो आपको ये लगाते लगाते पत्थर ले जाने हैं 8 या 9 ब्लॉक तक। वैसे 8 ब्लॉक तक ही कंपैरेटर का करंट जाएगा, तो लगा क्या था क्या है घर का। लो लगा दो रेड स्टोन, हो गया। यहाँ पे जगह ज़्यादा रखना अगर हो सके तो। ये लगाया रिपीटर जो वहाँ के करंट को आगे भेजेगा। के आगे से हमें पत्थर ले जाने, लेके जाने, और जहाँ पे आपका मन करे वहाँ पर दूसरा रिपीटर लगा दो की के जैसे काम करने वाला। और उस रिपीटर के आगे हमें रेडस्टोन की टॉर्च लगानी है, और ये रिपीटर इसलिए कि वो रेडस्टोन की टॉर्च बंद हो जाए जब तक इसमें करंट नहीं आता, या अब चालू रहेगा अभी के लिए। यहाँ से हम लेके जाएंगे अपने दरवाजे तक करंट। रेस्टोन का सिग्नल ये गया, और देखो अब चलो दिखाऊंगा। अब देखो ये हो गया दरवाजा ओपन। अब इस दरवाजे या इस गुफे का काम तो हो गया, इसको बंद करेंगे हम डर्ट से, नॉर्मल डर्ट दिखने नहीं चाहिए। कर दो बंद, यस मस्त। लगा दो पूरी तरह से बंद कर दो इसको, छुप जाना चाहिए। और ऐसे बंद करना कि ये नेचुरल लगे, नेचुरल यानी गेम जैसे। ये देखो ये अजीब लग रहा है, तब नेचुरल लगेगा, है ना। ये भी बंद, ये हो गया। अगर हम इसे घुमाएंगे ये दरवाजा बंद देखा, कहाँ पे है वो दिखता है क्या। सॉरी भाई यहाँ पे मोबाइल घूम गया तो मेरा हाथ से। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ये ओपन देखा। ये लो मुझ भी आ गई देखने। यहाँ पे लगा दो चेस्ट, किसी को शक नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही दिखाने के लिए। बाकी आप इसे घर में ही बनाना ताकि कोई शक ना करे। बाहर भी बना सकते हो, पर क्या पता कोई खोल ले आपका सीक्रेट डोर, रुआ का खजाना भी लूट ले। चोरों का क्या है यार, कहीं भी घुस जाते, बताना थोड़ी ना पड़ता है उनको।
चलो अब डेकोरेशन बनाते थोड़ा सा, ये आपको मैं नहीं दिखाऊंगा शायद, हाँ ये नहीं दिखाऊंगा, पूरा हो जाने के बाद देखना। ये लो हो गया, ऐसे बना डालो ऐसे, और ये बन गया हमारा। सॉरी यहाँ पे अंधेरा अंधेरा, इसको अच्छी तरह से बंद करना, कोई रेडस्टोन का सिग्नल कटना नहीं चाहिए ध्यान से, वरना ये काम नहीं करेगा अच्छी तरह, कोई भी सिग्नल नहीं कटना चाहिए। अब यहाँ पे अंदर तो जा सकेंगे, पर लीवर जो अंदर जाके दरवाज़ा बंद करेगा वो भी तो चाहिए ना, वरना हिडन बेस तो हिडन नहीं रहेगा, तो इसलिए हमें वो भी बनाना पड़ेगा। तो इसलिए इस जहाँ पे ये टॉर्च लगी है वहाँ पे आपको रिपीटर लगाना है, उसी स्टोन पे, उसी ब्लॉक पे स्टोन की बोलेंगे, और यहाँ से हमें अंदर तक करंट लेके जाना है हमारे बेस तक, ताकि ये हम वहाँ से बंद कर सके। चलो ड्रिल, हाँ मिल गया, अब जरा सा ऊपर वरना ये बहुत नीचे हो जाएगा, और इसको बंद कर दो धीरे धीरे ऊपर, ये कर दो बंद, इसकी कोई जरूरत नहीं हो। यहाँ पे डाल दो रेस्टोन पूरा, और लीवर लग, और यहाँ पे लीवर लग गया, तो कहाँ गया रे लीवर, ये नहीं ये, हाँ चलो इस जगह पे लगा दो, अरे ये हो गया बंद, इसे ऐसे करके ये हो गया चालू, उजाला करके दिखा दो टॉर्च, लगा अरे गलती से हो गया, हाँ ये हो गया उजाला, ऐसे दिखता है ये, इसे कर दो बंद अच्छी तरह से कर दो, कुछ भी टूटना नहीं चाहिए। और आप यहाँ से कुछ भी टूटना नहीं चाहिए रेडस्टोन की टॉर्च में, यहाँ से आप अपना बेस बनाना चालू करो इधर साइड पे, ये हो गया प्लेस फॉर बेस, तो ऐसे ही बनाना अगर, और ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ट्राई करूँगा बनाने की। लो बन गया।